ट्रैक की हालत आप देख लें किस कदर शिकस्ता हालत है। कियानी साहब को मुझे पीछे आधा किलोमीटर पहले उतारना पड़ा था बेचारे चलते आ रहे, क्योंकि ऐसी जगह है ही नहीं कि जहाँ पे बाइक पे दो बंदे बैठ के ऊपर आ सकें। हमने अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा सतह कर लिया है, बकौल गूगल मैप की अभी सिर्फ 210 मीटर रह गया है और वो ज़िगज़ैग सा ट्रैक ऊपर जाने के लिए है। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करके उधर तक पहुंच जाएंगे। बाइक का भी हाल थोड़ा सा बुरा हो रहा है, आवाज़ उसकी बता रही है। अल्लाह ताला का शुक्र है जो क्रैश हुई हुआ उसमें सर्वाइव कर गई। बाइक का सिर्फ शीशा टूटा है फिलहाल जो नज़र आ रहा है, क्रैश कार्ड की वजह से बड़ा नुकसान बच गया है माशाल्लाह। क्लच लीवर है, गियर लीवर वो थोड़ा टेढ़ा हुआ वो तो सीधा हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट साइड का मेरे टूट गया, ये भी नया सस्ता मिल जाएगा, इतना बड़ा नहीं है मसला। बड़ा अल्लाह ताला का करम है कि मुझे जो चोटें आई हैं मैं बाइक चला रहा हूँ, कियानी साहब को भी आगे उठे नहीं पैदल किस तरह चलते हैं। अल्लाह ताला बड़ा करम करने वाले हैं, अब हम आगे इंशाल्लाह चलते हैं, ट्राई करते हैं कि दोनों बैठ के जाएं। गूगल मैप के मुताबिक तो हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक उसका टिपिकल आसार हैं वो नज़र नहीं आ रहे, थोड़ा सा मेरा ख्याल अभी ऊपर चढ़ना और पड़ेगा। हमें अब ऊपर पहुंचने की निस्बत ज़्यादा फिक्र जो सता रही है वो वापस पहुंचने की और इस बात की ज़्यादा है कि वापसी पे हम इस रास्ते से ना आएँ जिस जाएँ जिससे हम आए हैं, कि ये बिल्कुल ही अनफ्रेंडली सा रास्ता है, बाइक फ्रेंडली भी था। हमने कोई ऐसा रास्ता वापसी का मिल गया जिससे हम ओके सोके होके किसी की तरह बाइक पे जा सकें, तो दैट विल बी ग्रेट। अल्लाह ताला अपना फजल तो मैं हमारे काफ़ी रुमाइश रही है आज, अल्लाह की रहमत भी बड़ी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र और कुछ चोटें लगवाने के बाद अच्छा शुक्र है कि हम ऊपर पहुँच गए टॉप पे, बिल्डिंग उसके आसार नज़र आ रहे हैं। ये यस सारा कुछ ही है जो मुंबई जो ये एक तालाब है यहाँ पे इसको ये रास्ता जाता है, बारिश की वजह से वो नेचुरल पानी से भरा हुआ है, वैसे आमतौर पे खाली होता है, बारिश की वजह से बारिश का रास्ता भी बहुत खराब था जब हम आए हैं। अदरवाइज ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर है, बहुत खूबसूरत जगह बनाई गई है और डेफिनेटली अब कीप नहीं है। ये वो फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो इधर बना हुआ है। पाकिस्तान का झंडा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं, वो सामने कह रहे हैं लंगर खा रहे हैं और चिल्ला गाहे हैं बुजुर्गों की। ये नज़ारा है जी टॉप से, हिल टॉप से नीचे की जानिब का, ये टिल्ला जोगियाँ जो है तकसीम है, इनसे पहले हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा मुकद्दस मुकाम था बरसगीर में, इसको टिल्ला गोरखनाथ भी कहते हैं या टिल्ला जोगियाँ या टिल्ला सिंपली राजा बुटावी पुरान भगत एंड राजा गोरदेर। कहते हैं कि रांझे ने अपने जो कानों में छेद करवाए थे वो भी यहीं आके जोगियों से करवाए थे।
बाबा गुरु नानक के भी यहाँ पे विजिट का सुराग मिलता है। वो यहाँ पे कुछ अर्सा के लिए आके ठहरे थे और मुगल बादशाह जहांगीर भी यहाँ पे आके ठहरता रहा बड़ी देर। बहुत बड़ा एक तालाब है सिखों के दौर का यहाँ पे बना हुआ, और कुछ तबाह हाल हिंदू मंदिरों की बाकियात भी मौजूद हैं। इस जगह की हाइट है जी 3200 फीट सतह समंदर से ऊपर अबव सी लेवल, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये इतनी गर्मी के मौसम में भी काफ़ी ठंडा है, यहाँ अच्छी ठंड होती है, ऊंचाई तो काफ़ी है। यहाँ पे एक कीकर कहू फली और चनार के दरख्त भी हैं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो उड़ियाल, वुल्फ्स, जैकल, फॉक्स, वाइल्ड कैट्स, रैबिट्स, चकोर, मोर और दीगर जानवर और परिंदे भी पाए जाते हैं। लाहौर से इसका जो डिस्टेंस है वो 205 किलोमीटर है, रावलपिंडी से 128 किलोमीटर और किला रोहतास से 24 किलोमीटर है। अब वो जो लाहौर से किला रोहतास का डिस्टेंस है और पिंडी से जो किला रोहतास का डिस्टेंस है, वो दोनों फासले इतने ज़्यादा नहीं है जितने किला रोहतास से इस जगह तक का डिस्टेंस है, क्योंकि वो कच्चे ट्रैक पे है तो यहाँ आते आते बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आई मेट एन एक्सीडेंट है वाइल राइडिंग द बाइक। शुक्र अल्लाह का ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ तकलीफ तो है उसकी वजह से काफ़ी। बहुत ज़्यादा सवियर एक्सीडेंट तो नहीं था बट एक्सीडेंट था। ये वही सिग्नेचर कॉन्टोर्स हैं पोठोहार के पहाड़ों के जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल मिलते जुलते यही आपको सोन वैली हो, इस्लामाबाद पिंडी हो, मरगला हिल्स हो, ये आपको मिलते जुलते ही नजर आएंगे तकरीबन कॉन्टोर्स इसकी जो नक्शोनगार हैं पहाड़ों के। मौसम बहुत शानदार जैसे दोहराया मैंने पहले भी बताया, आने से ताल्लुक रखती है जगह, लेकिन जब तक इसका रास्ता नहीं कोई प्रॉपर तैयार होता तब तक इधर आना चाहिए नहीं। मैं तो नहीं आऊँगा, मेरे लिए तो बहुत हो गई यही आना। बाकी इट वॉज क्वाइट एन एडवेंचर। वैसे मज़े की बात है, हम लोग गिरे भी उस जगह से हैं जहाँ से गिरने का कोई तसव्वुर भी नहीं था। ये हमारे अलावा भी एक ग्रुप आया हुआ है दोस्तों का, ये साथी आए हुए हैं आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। आपका क्या नाम है? जी मुबारक अली। वाजिद हुसैन जी। शहजाद अहमद। ये मेरे साथ कियानी साहब आए हैं, फहीम कियानी साहब। तो ये बड़ी हिम्मत इन्होंने की है हमारी तरह ही, गालबन हम इनकी बाइक्स के जो है ना वो टायरों के निशान देखते ऊपर तक आए हैं। एडवेंचर था बल्कि हमारा ये समझे कि तीसरा टूर है, फर्स्ट टाइम कामयाब हुआ यहाँ पे पहुँचे। अच्छा अच्छा, वाह आप तो बड़े मुस्तकिल मिजाज हैं। दो साल से हम ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारा कामयाबी हुई है यहाँ पे पहुँचने में। तो इसकी अच्छी जगह यहाँ पे वैसे बता रहे हैं कि सिखों के यहाँ पे इबादत गाहें थी। अच्छा, बाबा गुरु नानक जो सिख मजहब के बानी है वो गिनते हैं उनको, ये हमारे सिख मजहब के बानी है, यहाँ पे इनकी इबादत गाह बनी है। बल्कि ये जो टॉप पे है वो काफी डैमेज हो चुकी है, ये जो हाफ सर्कल रह गया हुआ है, ये असल में ये जगह थी जहाँ पे बाबा गुरु नानक ने जो है ना उन्होंने इबादत की हुई है। ओके, और यहाँ पे बैठ के उन्होंने एक किताब भी को लिखी हुई है, अभी उसका मुझे नाम नहीं ध्यान में आ रहा, लेकिन वैसे ज्यादातर बता रहे कि यही बेसिक जो उनकी सिखों की बुक है ना, यहाँ पे बैठ के उन्होंने स्टार्ट किया है, ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहब, यहाँ पे बैठ के स्टार्ट किया। बाकी बेसिक और एक गार बना हुआ है, काफी सारी जगह भी है वो ऊपर है। हाँ जी टॉप पे है वो भी। हाँ हम तो जा नहीं सकेंगे आज टाइम की कमी। कौन सा? हाँ ये जोगियों का टिला, जोगियों का टिला। असल में ये जो 1947 में ये जो बसीर की जो तकसीम हुई है ना, उसको बता रहे हैं कि 1,20,000 या 25,000 के करीब यहाँ पे जोगी रह रहे थे। तो उन्हें पता भी नहीं था कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ पे उनको बता रहे हैं कुछ दिनों के बाद खबर मिली है, फिर बाकायदा सेफ तरीके से उन्हें इंडिया भेजा गया। हाँ जी ये लास्ट जो है यहाँ पे रौनक मेला जो बता रहे हैं ना 1947 के बाद फिर यहाँ पे हर चीज खत्म हो गई। वैसे जब हम लोग बाइक्स पे आ रहे थे और आप भी बाइक्स पे ही आए हैं, तो मैं सारे रास्ते सोचता आ रहा था कि अभी हमें बाइक्स हमारी आपकी भी और हमारी भी बड़ी पावरफुल बाइक्स हैं, इधर आते वक्त हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इतनी सहूलत होने के बावजूद, और वो लोग कौन लोग थे जो जब कुछ भी नहीं था, कोई सहूलत कोई रास्ता नहीं था, तो इधर ऊपर कैसे आ जाते थे? वो शॉर्ट रास्ता है ना, शॉर्ट ही है। दूसरी बात सारी है ना, वो भीड़ की तरफ से है, वो कोई ट्रैवल जो है पैदल कर सकता है बंदा। अच्छा ऐसा है। दूसरी बात ट्रैवल है ना, वो 2 घंटे की ट्रैवल बता रहे हैं। हाँ
ये हमारे इशफाक भाई हैं यहाँ पे जो मुलाजिम भी है। हाँ जी, ये इस बीट गांव के ही है। अच्छा, जो नीचे गांव है जहाँ से पैदल रास्ता आता है, बेट गांव है। इशफाक साहब, आप कितनी देर से यहाँ पे? मैं 2 साल हो गए। 2 साल से इधर पोस्टिंग है। महकमा ये फॉरेस्ट का क्या बना, रेस्ट हाउस है? रेस्ट हाउस। तो यहाँ रहता है कोई आगे? कौन? असल काटी। अच्छा, काम ही को जाता है। ठीक है, कौन ऑफिसर इतना आवाज आ रही जला आ जाता हूँ उसे? बड़ी गल है, मतलब आना मुश्किल है ना। इसे बता रहे हैं कि ये जो रांझा था ना, हीर रांझा की स्टोरी भी बड़ी मुबारक शाह रहमतुल्लाह अलैह सामने लिखी हुई है डिटेल उसकी। तो वो रांझा के जो कहते हैं ना कान पड़वाए, वो यहाँ पे आए थे और ये जोगी यहाँ पे बना हुआ था, ये उसके बारे में बड़ा मशहूर है। यहाँ पे एक जगह है वहाँ पे इसका जिक्र है। यानी बहुत सारी चीजें इधर आके मर्ज हो रही हैं इस जगह के बारे में। और यहाँ पे हमारा बल्कि ये अभी ये इस वजह से यूनिक जगह है, हिंदुओं की भी ये मुकद्दस जगह थी। बाकायदा यहाँ पे लंगर खाने बने हुए हैं, इबादत गाहें बनी हुई हैं। ये जहाँ पे आप इशारा कर रहे हो उस तरफ, ये जो ऊपर टॉप है जहाँ से ये साहब आ रहे हैं, इनके 6-7 स्थान बने हुए सिखों के भी। ठीक है, हिंदुओं का भी वो एक टेम्पल है और बाकायदा लंगर खाना बना हुआ है। काफी देर बैठ चुके हैं यहाँ पे, 12 के करीब का टाइम हो गया, जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन दोस्तों के साथ ही जाएंगे जो आज़ाद कश्मीर से आए हुए, ताकि आगे पीछे रहते हुए रास्ते में से भटके ना। ले सर चलें। देख सकते हैं आप, ये लाहौर से बाइक से आए हैं टूर के लिए। काफ़ी एडवेंचर टूर है हमारा, ये बहुत मज़ा आया है। करें और इनकी बताएं माफ करें, बहुत हेल्पफुल लोग हैं, बहुत मजा आया। अल्लाह ताला इनको तरक्कियां दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया भाई।